भैया लास्ट मंथ हम हांसी गए थे, आपको मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी बिल्कुल आ रही है। तो भैया हम हांसी गए थे काली माता के मंदिर में माथा टेकने के जी लिए। तो वहां से जब हम वापस आने लगे तो मेरा मन था कि हम बाहर डिनर करके आए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। तो भैया मैं थोड़ा सा गुस्से में बैठ गई गाड़ी में, तो इतने में नोटिफिकेशन आया कि निधि भाभी, निधि दीदी लाइव है माला अच्छा जाप के लिए, अमावस्या के लिए। भैया इतनी हैरानी वाली बात है ये। और मैं इतना देखते ही कि दीदी लाइव है, तो मैंने इनको बोला चलो ठीक है गाड़ी में बैठो, कोई डिनर विनर नहीं करना कि माला शुरू हो चुकी है। भैया मैं गाड़ी में ही अपने स्लीपर्स वगैरह उतार के राधा रानी को याद करके बैठ गई। भैया अभी सेकेंड माला ही स्टार्ट हुई थी, इतना तेज भयंकर तूफान, जैसे बवंडर होता है, इतना बवंडर कि हम घबरा के कि हम पता नहीं घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सब गाड़ियां रुकी हुई थी, लेकिन हमें अगले दिन सुबह बाहर जाना था, तो हमें रात को जल्दी घर भी आना जरूरी था। भैया हम धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, भैया हमें नहीं पता कि कहाँ से एक स्कूटी में इंसान आया जिसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई, और भैया वो हमें रास्ता दिखाता आया। और मैं निधि और भैया थर्ड और फोर्थ माला पे दीदी के साथ कनेक्शन कट गया कि जैसे रेंज चली गई, नेटवर्क इशू हो गया। लेकिन भैया वो फिफ्थ माला में फिर कनेक्शन जुड़ गया, तो हम मैं राधा राधा करती रही, और वो जो स्कूटी की लाइट थी उससे हम उसके पीछे पीछे भैया हम आए। रास्ता जब हम भिवानी पहुंचने वाले थे भैया, पता नहीं चला कि वो इंसान किस साइड गया स्कूटी वाला। मेरे हस्बैंड बोले कि हम उसको कार से रास्ता दिखा देते हैं लाइट से, जबकि सच्चाई ये थी कि वो स्कूटी वाला जो मेरा ठाकुर मेरा बिहारी आया था वो रास्ता हमको दिखा रहा था। भैया अभी लास्ट माला से 18th माला थी शायद, तो ऐसे लगा कि जो निधि दीदी की डीपी है ना ब्लू ड्रेस वाली राधा रानी, वो आसमान में मुझे पूरा बड़ा आंचल फहराए हुए नजर आई। और इतनी देर में निधि दीदी ने इतना बोला कि राधा रानी आप सबको अपनी छत्र छाया में रखे। भैया वो छत्र छाया राधा रानी की थी, मैं आपको वीडियो, वो मेरे बेटे ने पीछे बैठ के वीडियो दूसरे फोन से बनाई थी, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, आप देखना कि किस तरह से वो जो येलो टी शर्ट वाला था, मुझे तो लगता है कि मेरे ठाकुर आए थे, मेरे बिहारी जी आए थे, पता नहीं है कौन था वो। और भैया वो पता भी नहीं चला, कोई सड़क नहीं आई लेफ्ट राइट पे, और पता नहीं चला कि वो इंसान जो स्कूटी वाला था वो किस साइड कहाँ से आया, और हमें भिवानी तक पहुंचाने के बाद वो कहाँ चला गया। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि पता नहीं था? आपको पता तो है, मुझे तो पता है, बस मेरे फिर मेरा भाई था बस भैया, मेरा भाई, यही विश्वास रखिए। मुझे तो भैया पूरा विश्वास है उन पे। देखो, जीवन में जब आप मुसीबत में हो ना, जब किसी तरह के संकट में हो और आपकी आकर के कोई भी मदद करे, तो हमेशा ये मानना चाहिए कि वो मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर ही है जो मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो मदद करने की क्षमता सिर्फ उसकी है। हाँ तो जी वो भैया, उस व्यक्ति के अंदर आकर के उसके अंदर वो भाव जन्म देते हैं कि इसकी मदद कर जा करके। जो भी व्यक्ति आपकी मदद करता है, जो भी किसी तरह से आप पे उपकार करते हैं, वो ईश्वर ही है, आपकी भिन्न भिन्न रूपों में मदद कर रहे हैं। तो उससे और हर व्यक्ति की, हर जीव की, क्योंकि ये जो यात्रा है ना, कोई अकेला नहीं चल सकता। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, कहीं भी हाँ पैदा जी, हुए, किसी भी देश में पैदा हुए, तो हर एक को ईश्वर की ही जरूरत है। हर एक को ही ईश्वर की जरूरत है। तो ये सफर आसान नहीं है। तो इस समय जब आप ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं ना, जैसे भगवान क्या बोलते हैं, जैसे हम ऊपर से आते हैं ना, जब दुनिया में हम आते हैं, तो अभी आपके बच्चे कहीं जाएंगे घूमने, आप क्या बोलोगे? बेटा फोन करते रहना, कीप इन टच, हाँ जी, यही बोलोगे ना आप? बच्चे जब जाएंगे पिकनिक पे कहीं पे, है ना, तो हम भी पिकनिक पे आए हैं, हमें भी भगवान ने बोला बेटा कीप इन टच। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कीप इन टच नहीं रहते हैं, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम इस दुनिया में आके विचित्र विचित्र चीजें देखते हैं, लोगों को देखते हैं और गुम हो जाए, हम भगवान कहीं गुम, हम कहीं गुम, तो हम हो गए डिस्कनेक्ट।
उसमें क्या होता है, फिर हम इधर उधर सहारा ढूंढते हैं जब मुसीबत में आ जाते हैं, पैसे खत्म हो गए उधार मांग लेंगे, लोन ले लेंगे, इस तरह की समस्याएं आती रहती है, फिर लोगों पर भरोसा करना शुरू करते हैं जो आसपास है। लेकिन यदि हम कीप इन टच रहते हैं तो आप यकीन मानना आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है, मदद खुद चलकर आपके पास आएगी। भैया मेरा कृष्ण है मेरे साथ। बस यदि आप ईश्वर के संग रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो मदद के पास आपको नहीं जाना। आपकी मुसीबत आपका प्रारब्ध है, लेकिन मदद आपके लिए पहले तैयार खड़ी होगी कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं। तो ये है मैजिक उसका। भैया नाम जाप में बहुत ताकत है, ये चीज तो निधि दीदी ने ही हमें समझाई है। बिल्कुल बिल्कुल है, राधा राधा करते ही उस दिन हमारी सारी बाधा कट गई, वरना हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम घर तक, जैसा बवंडर उस दिन था, उस दिन कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हम सही सलामत घर पहुंच पाएंगे। हर तरफ अंधेरा, पेड़ टूट के गिरते जा रहे हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी आगे आए पेड़ पीछे टूटा हुआ नजर आ जाए, यूं लगे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे बिहारी जी वृंदावन से यही मेरे आगे स्कूटी पे चल रहे हैं, येलो टी शर्ट डाले हुए इंडिकेट कर रहे हैं, ममता तू घबरा मत, तेरे साथ तेरा भाई हमेशा है। बिल्कुल ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, सुकून में रहिए, ख्याल रखिए अपना। हरे कृष्ण। ठीक है भैया, राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे राधे।